Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Satology यानी कि सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई, उसके विपरीत है mythology मतलब नकली काल्पनिक उसकी पढ़ाई या उसका विज्ञान। तो भारत में बहुसंख्यकों के धर्म की रक्षा कहां कहां पे लिखी गई है, क्यों लिखी गई है और what is the purpose of संविधान उसके हिसाब से लिखी गई है। तो आज सब बातों में विषय पे डिस्कस करेंगे प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी से। नमस्कार। तो पूरे संविधान में तो बहुत जगह लिखा गया है सबको समान अधिकार, दो तीन जगह लिखा गया है। ये सडनली ऐसा कैसे लगता है लोगों को कि भारत में बहुसंख्यकों की रक्षा नहीं हो रही है? नहीं, जो लोगों को लगता है वो सत्य है, और ये सत्य इसलिए है कि जो शासन में आए लोग हैं वो संविधान के भक्षक हैं, और ये 1979 से ये शुरू हुआ है, इमरजेंसी से, बल्कि 1975 से ही इंदिरा गांधी ने संविधान का भक्षण शुरू कर दिया। अभी मोदी सरकार ने संविधान हत्या दिवस इसीलिए घोषित किया है कि 25 जून 1975 को संविधान की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से संविधान में जो जो अधिकार बहुसंख्यकों को यानी हिंदुओं को दिए हुए हैं उनका भक्षण कांग्रेस ने किया, और विशेषकर राजीव गांधी की मृत्यु के बाद सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और अब राहुल गांधी ने जब से कांग्रेस की बागडोर संभाली है और जब तक वो लोग सरकार में रहे हैं 14 फरवरी मार्च तक, तब तक उन्होंने संविधान की हत्या की है, संविधान का भक्षण किया है। तो इसलिए लोग यदि ये कहते हैं कि हिंदुओं की उपेक्षा हो रही है तो ये पूर्ण सत्य है, और लोग थोड़ा, भारत के लोग विशेषकर हिंदू बहुत ही सुसंस्कृत हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं, बहुत ही कल्चरल हैं, तो वो बहुत संभल के बोलते हैं, और अपने शासन के प्रति प्रेम भारत की विशेषकर हिंदुओं की परंपरा रही है, तो वो शासकों को बड़े कड़े शब्द नहीं बोलना चाहते। लेकिन इस समय जो विपक्ष में है, जो पूर्व के शासक हैं, वो तो उच्छृंखल हो रहे हैं और वो कड़े शब्दों के लायक हैं, क्योंकि उन्होंने सारी मर्यादा, सारी शालीनता, सारी सभ्यता ताक पर रख दी है, और एक बहुत बड़ा झूठ बोलने वाला गैंग की नेटवर्किंग भारत में की है, जो दिन रात ऐसे झूठ बोलता है जैसे कोई हत्यारा अपने द्वारा की गई हत्या का अभियोग किसी अन्य पर लगा रहा हो। तो कांग्रेस ने संविधान की हत्या की है, और उसको छिपाने के लिए राहुल गांधी एक नकली लाल किताब लहराते हैं कि ये संविधान की रक्षा के लिए न हो, जो अत्यंत लज्जास्पद बात है। विश्व के अन्य किसी भी देश में यदि इतना बड़ा झूठ बोला जाता है तो जो लोग सत्ता में हैं वो ऐसे झूठ बोलने वाले को जेल में बंद कर देते और बहुत कठोर दंड देते, बहुत कठोर मतलब सक्षम कारावास की सजा के लायक ये अपराध है कि पहले तो आपने संविधान की हत्या की और इसके बाद उसे छिपाने के लिए, अपने पाप को छिपाने के लिए ये बकवास कर रहे हो कि संविधान की हम रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जो आज का विषय है उस पर आए, तो ये एक सत्य है। अगर लोग कह रहे हैं कि संविधान की बात, तो बड़े बड़े वकील ठीक से पूरा संविधान नहीं पढ़ते, ऐसा उनकी बहसों से लगता है। जज तो पढ़ते ही होंगे, और साधारण नागरिकों में, प्रबुद्ध नागरिकों में, सांसदों और विधायकों में थोड़े से लोग ही संविधान पढ़ते हैं। बहुत सी बात तो केंद्रीय मंत्रियों और बड़े बड़े नेताओं की बातों से लगता है कि उन्होंने संविधान पढ़ा नहीं है, केवल संविधान की पूजा की है। तो इसलिए संविधान में जो दिया है उसके बारे में लोग बात नहीं करते, शासन ने क्या किया है उसकी बात करते हैं। तो शासन के स्तर पर हिंदू धर्म की घोर उपेक्षा हुई है, लेकिन आजकल संयोगवश जिन्होंने हिंदू धर्म की संवैधानिक हत्या का बहुत ज्यादा प्रयास किया है, चरणबद्ध कार्य किए हैं, वो लोग संविधान के रक्षक हो गए हैं। संविधान के ऐसे भक्षकों ने, क्योंकि संविधान के प्रश्न को ज्यादा उछाल दिया है, इसलिए आज हम लोग पहले संविधान की चर्चा करेंगे। तो संविधान में क्या है, संविधान का जो भाग 3 है वो नागरिकों के मूल अधिकार की बात करता है ना, पार्ट 3। उसमें जो आर्टिकल 25 है, अनुच्छेद 25, वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है।
यानी प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है और साथ ही प्रैक्टिस और प्रोपगेशन ऑफ धर्म, धर्म का अभ्यास, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ धर्म इज फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन। धर्म का प्रैक्टिस करना, धर्म की और उसका प्रोपगेशन करना, यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का अर्थात हिंदुओं का भी, क्योंकि अगर प्रत्येक नागरिक का है तो सबसे बड़ी संख्या 85% हिंदुओं की है, तो 85% हिंदुओं का ये मौलिक अधिकार है कि वो धर्म की रक्षा करें, धर्म का प्रचार करें और धर्म के अनुसार आचरण करें। ये संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 25 में स्पष्ट लिखा है। तो एक तो यहां बहुत लिखा है और दूसरा जो है संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति के निदेशक तत्व है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी अनुच्छेद 38 जो है वो ये कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना ये स्टेट का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना। यानी स्टेट जो है वो एक ऐसा सोशल ऑर्डर सुनिश्चित करेगा जिसमें वेलफेयर ऑफ द पीपल का प्रमोशन होगा, लोक कल्याण की अभिवृद्धि का कार्य करना राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व में ये लिखा है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 39 में फिर लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, स्टेट की पॉलिसी के सिद्धांत क्या होंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाई द स्टेट। उसमें एक तो यह है कि स्त्री पुरुष की समानता होगी, भौतिक संसाधनों की, भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार रहे जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो और धन और उत्पादन के साधन सर्वसाधारण के हित के विपरीत न जाएं, ये देखना राज्य का काम है। और इसके बाद सबको समान, सभी के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना, ये स्टेट की पॉलिसी। तो इसके आधार पर तो हिंदू धर्म का, यानी अगर हिंदू धर्म का ही नहीं करोगे तो अन्यों का संरक्षण करने का आपका अधिकार ही समाप्त हो जाता है। इसलिए भारत के बहुसंख्यकों के धर्म की रक्षा का संविधान का निर्देश है भाग 3 अनुच्छेद 25 के अनुसार और भाग 4 अनुच्छेद 38 और 39 के अनुसार। अन्यत्र भी बहुत से प्रावधान है लेकिन ये तो स्पष्ट प्रावधान है क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार प्राप्त है वो आप, ये तो नहीं लिखा है कि हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है और केवल मुसलमानों, ईसाइयों या गैर हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, ऐसा तो संविधान निर्माताओं ने ना तो कभी जीवन में एक बार भी कहा न लिखा, और ऐसा तो कोई पागल लोग ही कह सकते हैं, कोई भी एक स्वस्थ और संतुलित व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं कर सकता। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि इन दिनों विपक्ष में अपने आप को संविधान का रक्षक बताने वाले बहुत सारे लोग ऐसे ही पागलपन की बातें करते हैं। जब हिंदुओं के धर्म की रक्षा का एक न्यूनतम कर्तव्य भी कोई करने की मांग करता है तो वो उल्टा करने लगते हैं कि तुम जो है भेदभाव कर रहे हो। उदाहरण के लिए सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों के धर्म की रक्षा के बाधक तत्वों को दूर करना राज्य का कर्तव्य है। जैसे कल को कोई ओम किराना स्टोर, सरस्वती पुस्तक भंडार, लक्ष्मी चिकित्सालय, कुछ भी नाम रख लेता है और उसे चलाने वाला सनातन धर्म में श्रद्धा नहीं रखता, देवी देवताओं में श्रद्धा नहीं कर रखता, बल्कि वो अपने आप को गुच्छिकन होने का, देवी देवताओं को तोड़ने और हमारे पूर्वजों ने भारत के देवी देवताओं के मंदिर तोड़े थे इस पर जो गर्व करता है, तो उसको ये नाम रखने का अधिकार नहीं है। ये तो फ्रॉड है, आधारभूत फ्रॉड है, जालसाजी है, धोखाधड़ी है और ये संज्ञेय अपराध होना चाहिए। अगर संज्ञेय नहीं निकलती पुलिस तो रिपोर्ट करने पर इसमें कठोर दंड दिया जाना चाहिए। किसी भी सनातन धर्म में श्रद्धा नहीं रखने वाले किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो ओम या गणेश या सरस्वती या लक्ष्मी या कार्तिकेय या कोई भी किसी हिंदू देवी देवता के नाम से दुकान,
या अस्पताल या विद्यालय या भोजनालय या फल की दुकान खोलने का अधिकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं है जो देवी देवताओं में श्रद्धा नहीं रखता, सनातन धर्म में श्रद्धा नहीं रखता, हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धावान नहीं है। लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि आप मुसलमान हैं या ईसाई हैं या नास्तिक हैं या कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिस्ट को भी, सोशलिस्ट भी, अगर वो जो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जैसा सोशलिस्ट है, डॉक्टर लोहिया का सोशलिज्म अलग था, लेकिन डॉक्टर लोहिया के मृत्यु के बाद सोशलिज्म के नाम पर नास्तिकों और पाखंडियों का एक धंधा चल पड़ा है, तो सोशलिस्ट को भी किसी हिंदू नाम से विद्यालय या फल की दुकान या भोजनालय खोलने का अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि वो सनातन धर्म में श्रद्धा नहीं रखता, क्योंकि वो देवी देवताओं के सत्य को, अस्तित्व को नहीं मानता, क्योंकि वो मानता है कि देवी देवताओं में श्रद्धा फ्रॉड है, अंधविश्वास है, मूर्खता है, जहालत है, जाहिलिया है, डार्कनेस है, इग्नोरेंस है। तो जिस बात को आप इग्नोरेंस मानते हैं, डार्कनेस मानते हैं, जाहिलिया मानते हैं, उसको केवल धन के लाभ के लिए अपना प्रदर्शनी आवरण बनाना, अपना एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कोई दुकान का नाम देना, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है और कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, संज्ञेय अपराध। अगर शासन में अभी ऐसा नहीं है तो बना लेना चाहिए, क्योंकि ये संविधान की भावना के अनुरूप है कि आप इस तरह, आप मुसलमान हैं या ईसाई हैं या कुछ भी हैं, ये आपका आपका मजहब है, आपका रिलीजन है, आपकी फेथ है, आप उस फेथ पर ईमान लाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म जो भारत का सनातन धर्म है, जो अनादिकाल से भारत का धर्म है, जिसमें देवी देवता, सर्वव्यापी सनातन सत्ता, दस लक्षण धर्म, धृति क्षमा दमोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधा दशकम धर्म लक्षणम इत्यादि में जिसकी श्रद्धा नहीं है, उसको किसी भी स्थिति में कोई भी दुकान या स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी या विद्यालय या फलों की दुकान या भोजन की दुकान, भोजनालय, कोई भी किसी भी देवी देवता या हिंदू नाम से भी रखने का अधिकार नहीं है। आप श्री या गणेश या कार्तिकेय या लक्ष्मी या स्कंद या विष्णु या ब्रह्मा या हरि या शिव, शिव ढाबा, ये सब नहीं रख सकते। ये घोर अपराध है और ये हिंदुओं के साथ धोखाधड़ी है और हिंदुओं के धर्म को नष्ट करने का षड्यंत्र है। यहां तक कि जो अभी उत्तर प्रदेश में आदेश हुआ है कि फल के दुकानदार अपना नाम रखें, वो तो 2006 का आदेश है। सरकार आदरणीय सोनिया गांधी जी ने एक समानांतर सत्ता चलाने के लिए एक संस्था बना रखी थी, जिसमें थी जो एडवाइजरी काउंसिल है ना, सलाहकार परिषद थी भारत के लिए। तो भारत के सलाहकार परिषद ने सुझाव दिया था ये कानून बनाने का, ये भारतीय नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, सभी नागरिकों के स्वास्थ्य के हित में एक ये सुझाव दिया था। मनमोहन सिंह ने तत्परता से उनकी मेंटर, उनकी मार्गदर्शक, उनकी आका सोनिया गांधी जी द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझाव को श्रद्धापूर्वक आज्ञाकारिता के साथ स्वीकार कर लिया और कानून बना दिया। ये कानून सभी नागरिकों के स्वास्थ्य के हित में था, सत्य के हित में था। इसके लिए सोनिया गांधी जी अभिनंदन की पात्र हैं, बल्कि मेरा तो मानना है कि उन्हें महात्मा गांधी शांति सम्मान दिया जाना चाहिए केवल इस कानून के लिए। अब ये कानून लागू क्यों नहीं हुआ? अगर इस कानून को इतना मान देना चाहिए, ये मेरा कहना है, तो इस कानून का पालन न करने वालों पर संविधान की अवज्ञा का अभियोग चलाना चाहिए, हिंदुओं की और भारत के बहुसंख्यकों की, बहुसंख्यकों के धर्म की भावना का निरादर करने, अनादर करने, अपमानित करने का अभियोग लगाया जाना चाहिए, जानबूझकर हिंदुओं के धर्म को दबाने और हिंदुओं से धोखाधड़ी करने को प्रोत्साहन देने का अपराध माना जाना चाहिए। कानून बनाना सराहनीय काम था, कानून का पालन न करना अपराध है और भारत के शासक संविधान के निर्देशों का पालन नहीं करते, ये घोर अपराध है। और फिर वही संविधान की दुहाई देते हैं, ये तो अक्षम्य अपराध है, अक्षम्य अपराध है। जो संविधान के भक्षक हैं, वही अपने आप को संविधान संविधान रखते हैं, ये तो आजीवन सक्षम कारावास के योग्य अपराध है। तो एक तो ये समस्या है। दूसरी बात क्या है कि मेरा मान आग्रह एक दूसरा है, लेकिन हिंदू संगठनों को और हमारे परम आदरणीय धर्माचार्यों को इसकी मांग करनी चाहिए कि केवल ये नहीं है
कि आप हिंदू है या मुसलमान है, आप अपना नाम दिखाइए। नाम तो आप लिख देंगे, मोहम्मद इकराम इकबाल अथवा रामेश्वर मिश्रा, राजेंद्र श्रीवास्तव, कुछ भी लिख देंगे, रमेश भटनागर, कल्याण सिंह, आनंद सिंह, कुछ लिख देंगे। नाम अच्छा है, लेकिन नाम पर्याप्त नहीं है। अगर आप कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, आप धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, तो आपको तीर्थ स्थलों पर और ये जो कांवड़िए जाते हैं अथवा जहां भी धार्मिक जुलूस जाता है, उसके रास्ते में कोई फल की या भोजनालय की दुकान नहीं खोलनी चाहिए। या उस समय जब समय कांवड़िए जाते हैं, ऐसे सब लोगों के ढाबा और भोजनालय बंद रहे, कानूनन बंद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म का पालन करने वालों को अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रैक्टिस करना सनातन धर्म का और उसका प्रोपगेशन करना इसका अधिकार है। और तीर्थ यात्रा के समय आहार शुद्धि पर विशेष ध्यान रखना, हम किसके हाथ का फल खाएं, किस किस दुकान से सामान खरीदें, इसका धार्मिक यात्रा से सीधा संबंध है। इसलिए जो भी धार्मिक यात्रा कर रहा है या कोई धार्मिक आयोजन कर रहा है या धार्मिक क्रिया कर रहा है यज्ञ आदि, तो वो चाहे जिस दुकान से सामान नहीं खरीद सकता, यज्ञ के लिए, हवन के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए, अपने स्वयं के भी भोग और प्रसाद के लिए, वो चाहे जिस दुकान से फल नहीं खरीद सकता, चाहे जिस दुकान से किराना नहीं खरीद सकता, चाहे जिस दुकान से कोई भी वस्तु नहीं खरीद सकता, और अगर भूख लगी है तो वहां नाश्ता जलपान भी नहीं कर सकता, नहीं तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये केवल अपील की बात नहीं है, शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हिंदू तीर्थ यात्रियों का और हिंदू कांवड़ियों का धर्म भ्रष्ट न हो, और ये धर्म भ्रष्ट करने की बदमाशी करने वाले बदमाशों को तीर्थ के समय और कांवड़ यात्रा के समय दुकान बंद करने का स्पष्ट निर्देश दिया जाए। उस समय जब कांवड़िए जा रहे हैं तो उस रास्ते में सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा न रखने वाले किसी भी व्यक्ति की कोई दुकान अगर है तो उसे बंद रहना चाहिए। यह मांग हमारे धर्म के गुरुओं को भी करना चाहिए और सभी कांवड़िया भाई बहन मिलकर ये मांग करें कि जब हमारी कांवड़िया यात्रा चलती है उस समय मार्ग में कोई भी ऐसे व्यक्ति का कोई किराना की दुकान, कोई ढाबा और कोई भोजनालय नहीं होना चाहिए जो सनातन धर्म में श्रद्धा नहीं रखता, गंगा मैया में श्रद्धा नहीं रखता, शंकर भगवान में नहीं श्रद्धा रखता, देवी देवताओं में श्रद्धा नहीं रखता, दुर्गा माता में श्रद्धा नहीं रखता, और ऐसे किसी मजहब या रिलीजन का अनुयायी है जो सनातन धर्म के प्रति द्वेष रखते हैं, जो कहते हैं कि हम तो सनातन धर्म को हटाकर भारत में अपना मजहब या अपना रिलीजन लाएंगे, ऐसे व्यक्ति सनातन धर्म की शास्त्रों की भाषा में पापी हैं। तो पापियों के हाथ का नहीं खाया जा सकता, पापियों के हाथ का भोजन नहीं किया जा सकता, पापियों के हाथ से कोई किराना का सामान नहीं लिया जा सकता, पापियों के हाथ का फल नहीं खाया जा सकता, अन्यथा पुण्य का क्षय होगा। इसलिए ये व्यवस्था होनी चाहिए कि कांवड़िए कांवड़ियों की यात्रा में अथवा तीर्थ स्थल के आसपास या तीर्थ यात्रा के मार्ग पर पापियों की, जो सनातन धर्म के अनुसार जो पापी हैं, वो भले भारत के नागरिक हैं, उनको कोई भी किराने की या फल की या भोजन की दुकान लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और इसकी जांच पुलिस करे। ये नागरिकों के पास वश का नहीं है, स्थानीय पुलिस हर जगह जांच करे कि कहीं किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसकी सनातन धर्म में श्रद्धा नहीं है, जो देवी देवताओं को नहीं मानता, जो देवी देवताओं की जयकार नहीं करता, जय जयकारा नहीं लगाता, जो धर्म के दस लक्षण नहीं मानता, जो सनातन धर्म में श्रद्धा नहीं रखता, वो तीर्थ स्थलों पर उसको कोई दुकान रखने का, किसी फूल फल धूप अगरबत्ती माला किसी चीज की दुकान नहीं, मिठाई का तो सवाल ही नहीं, किराने की भी दुकान रखने का अधिकार नहीं है। और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर और कांवड़ियों के मार्ग पर किसी भी ऐसे व्यक्ति को कोई भी दुकान लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्यों, जो कि सनातन धर्म में श्रद्धा नहीं रखता, देवी देवताओं में श्रद्धा नहीं रखता, मंदिरों और तीर्थ यात्रा में श्रद्धा नहीं रखता। बहुत बड़ा देश है यहाँ, बहुत स्थान है, वो मूल मार्ग से हटकर पीछे की तरफ दुकान लगाएं। तो ये सब व्यवस्था होनी चाहिए, तभी संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 25 की और संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 38 और 39 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की रक्षा होगी, यही कहना है। अब आगे आप कोई और प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर हम देंगे। एक्चुअली ये जो गड़बड़ी है ना, ये चल रही है
बाकी देशों में भी चल रही है, यहाँ तक कि दही के ऊपर हलाल लिखा जाता है जो कि सभी के लिए कंज्यूमर अमेरिका में चलता है, उनके नाम गोपी घी, गोपी दही, नाम हिंदू है सारे, लेकिन लेकिन उस पे लिखा होता है हलाल और दही भी हलाल। वो तो एक अलग विषय है, आप हलाल पर एक चर्चा कर सकती है। हलाल, ये हलाल के नाम से हिंदुओं को या गैर मुसलमानों को हलाल करने, खत्म करने की साजिश है, तो हिंदुओं को हलाल करने वाली हलाल व्यवस्था, उस पर एक अलग परिचर्चा रख लीजिए, क्योंकि ये तो षड्यंत्र है। ये आप हिंदुओं के धर्म को हलाल करना चाहते हैं, हिंदुओं का धर्म नष्ट करना चाहते हैं, हिंदुओं के धर्म का विध्वंस करना चाहते हैं। हलाल, हलाल इकोनॉमी, वस्तुओं को हलाल लिखना है, ये तो पाप है। और हलाल तो केवल मुसलमानों की चीज है, वो भी जानवर को मारने के तरीके, कि आप धीरे धीरे दे देंगे, क्रूरता पूर्वक, पैशाचिक ढंग से, बर्बरता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, घृणित भाव रखते हुए, जानवर से घृणा करते हुए करेंगे, या बल आदि के लिए अथवा किसी अन्य कारण से झटके में मार देंगे। हलाल और झटका पशुवध के तरीके से संबंधित है। मैं तो झटके से भी पशु को मारे जाने का सभी अधिकांश हिंदू विरोधी होते हैं, लेकिन जो लोग मांस भक्षण करते हैं हिंदू, वो झटके से करते हैं, तो झटका जो है वैध है। और ये हलाल में, क्योंकि उसने मार दिया है, भाई हम मांस खाते हैं, ये जानवर हमने ले लिया है, बहुत जानवर ज्यादा हो गए हैं, एक जानवर को मार दिया, खा लिया, ठीक है, तो कहा है कि मांस आदि खाना मानव प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति रेतेस्तु भूताना निवृत्तिस्तु महाफला, मनुस्मृति क्या कहती है, मांस आदि भक्षण प्राणियों की प्रवृत्ति है, मांसभक्षी प्राणियों की, मनुष्यों में भी मांसभक्षी मनुष्यों की, लेकिन अगर निवृत्ति करें तो महाफल है। और जो बहुत सी जातियां हैं जो जो निवृत्त हैं, विशेषकर ब्राह्मण और वैश्य और जो राजा हैं, क्षत्रिय हैं, वो भी नित्य भोजन में मांस नहीं खाते, कभी किसी अपने हाथ के शिकार का मांस खाते थे, तो लेकिन उसमें कहा कि निवृत्तिस्तु महाफला, तो वो अलग बात है। लेकिन ये वो तो इस भाव से ले लेते हैं कि भाई चलो हमने खा लिया अपने जानवर, लेकिन ये हलाल करना तो अंतस की क्रूरता, अंतस की पैशाचिकता, अंतस की बर्बरता, कितनी घृणा होगी उस व्यक्ति के चित्त में जो हलाल करता है, कैसा क्रूर होगा वो चित्त जो हलाल करता है किसी जानवर को, कैसा पैशाचिक होगा वो चित्त जो हलाल करता है किसी जानवर को, और ऊपर से वस्तुओं को हलाल कहना। जी एक मैंने वीडियो देखा था अभी रिसेंटली, भारत में किसी शहर से था, वहां पे घोड़े को लेके जा रहे थे और एक इस्लामिक प्रोसेशन में उसको मार रहे थे, मैंने भी देखा, वो लहूलुहान था वो घोड़ा, ये तो पाप है। संविधान में इसके विषय में कुछ है कि अजानवरों के प्रति, नहीं, जानवरों के प्रति क्रूरता का हमारे यहाँ कानून बना हुआ है बाकायदे, और बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो जानवरों के प्रति क्रूरता के विरोधी हैं, लेकिन वो सारी संस्थाएं ऐसा लगता है कि हिंदू द्रोही हैं, धर्म द्रोही हैं और सत्य द्रोही हैं। वो केवल हिंदुओं के त्योहार के समय, अगर यह कहीं किसी तीर्थ स्थल में देवी को कोई बलि दी जाती है, अथवा कोई नाग पंचमी के दिन नाग को मदारी दिखाते हैं या बंदर का नाग दिखाते हैं, केवल उनके विरुद्ध हल्ला मचाती, और ये जो इतनी क्रूर हिंसा होती है, वो तो बंदर को बहुत वक्त डंडा दिखा दिए, ट्रेंड कर दिए, उसको आप रोक दे, चलिए रोक दीजिए, अब तो रुक गया है ना। नाग को पालते हैं तो नाग से कोई उसको चोट तो करते नहीं, उसको पाल के उसमें रख के दिखाते हैं, उस पर भी आपने कानून बना दिया, बहुत अच्छा है। और ये सार्वजनिक प्रदर्शन, घोड़ा जा रहा है, आप उसको चाबुक मार रहे हैं, और कितने मतलब लज्जा की बात है कि तुम इसलिए मार रहे हो कि उस समय हुसैन को मारा गया था, अरे वाह, या हुसैन हम न हुए, है ना, जिस समय वो दुष्ट कमीना सुन्नी कोई एक इमाम था, उसके लोग शियाओं को माने अली के संतानों को, हसन और हुसैन को मार रहे थे, क्रूरता से मार रहे थे, तब आप नहीं पहुंचे, बहुत ही दुख की बात है हमको, बहुत ही अली के संतानों को, अली को जिस तरह मारा गया, हसन और हुसैन को जिस तरह मारा गया, उसके प्रति हम लोगों को पूरी सहानुभूति है और हम उसमें शिया लोगों के साथ हैं। और ये छाती पीटते हैं, या हुसैन हम न हुए, एक तो इस तरह से एक हास्यास्पद बात है, लेकिन भावना की बात है, तो हम लोग नहीं कहते भाई अब आप उस समय नहीं थे तो नहीं थे, अब अभी छाती पीटने से तो या हुसैन हम न हुए, या हुसैन हम न हुए, या हुसैन हम न हुए, भाई आप नहीं थे, यानी एक शरीर कोई शिया नहीं थे, लेकिन उस समय बहुत से शिया मौजूद थे, तो आप शियाओं में भी भेद करते हैं, एक शिया जो उस समय मौजूद थे वो तो कुछ नहीं कर पाए, आप कह रहे हैं हम न हुए,
तो शियाओं में भेद, शिया और सुन्नी में भेद, लेकिन ये मुसलमानों का आंतरिक मामला है। लेकिन आप नहीं हुए इसलिए आप आज घोड़े को मारेंगे या अपने को कोड़ा मारेंगे, ये तो विचित्र बात है ना। पहले मनुष्यों को कोड़ा मारते थे, आप सोचे कि आदमी को कोड़ा मारने में थोड़ी तकलीफ होती है। मैंने देखा है मेरे बचपन में कई मुसलमान आवेश में आके अपने, कई शिया मुसलमान अपने को ही कोड़ा मारते थे, यही कह के या हुसैन हम न हुए, या हुसैन हम न हुए, या हुसैन हम न हुए। कोई कोई उन्हें चिढ़ाने के लिए कहता था कि अरे तू होता तो क्या कर लेता, लेकिन हम लोग उसमें हंसते नहीं थे, हम कहते नहीं नहीं सहानुभूति की बात है, उनको अपने पूर्वज की याद आ रही है। वो पूर्वज जो मुसलमान था और जिसके जिसको दूसरे मुसलमानों ने क्रूरता से मारा, तड़पा तड़पा कर मारा, भूखा प्यासा रख कर मारा, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई करे तो उसको अनंत काल तक उसकी निंदा होगी। तो इसलिए हम लोग इस मजाक का विरोध करते थे, नहीं नहीं मजाक मत बुलाओ, या हुसैन हम न हुए। लेकिन अब ये नया शुरू किया, घोड़ा जा रहा है, आप उसको मार रहे हैं। अरे उस घोड़े को मारने से तुम्हारे हसन और हुसैन की कोई रक्षा होगी, कोई स्मृति ताजा होगी, तो कितनी घृणित कितनी निंदनीय बात है। और इतना बड़ा कानून बना है, ये जीव रक्षक जीव दया करने वाले कहां हैं? ये तो जैसे कि धर्मद्रोही हिंदू द्रोही सत्यद्रोही लोग हैं। तो संविधान में कौन सा उसमें प्रोविजन है जो कि इनोसेंट एनिमल्स की रक्षा करे? इनोसेंट संविधान में अलग से इसका कोई वो नहीं है जानवरों के लिए, लेकिन संविधान से देश नहीं चलता, संविधान के बाद कानून बनाए जाते हैं। यहां तक कि संविधान में कोई एक्ट कानून पारित होता है ना, एक्ट भी संविधान के अनुसार कोई एक्ट पारित होता है, वो एक्ट केवल एक चिन्ह होता है, एक फ्लैग होता है समझ लीजिए। असल में उसके नियम और विनियम जो अफसर लोग बनाते हैं उससे शासन चलता है। ये एक तो बहुत बड़ा धोखा है इसमें, राहुल गांधी तो झूठ के पुलिंदा है, कुछ भी कर रखे हैं। संविधान संविधान राज्य चलाने वाले निदेशक सूत्र देता है, केवल वो सूत्र है। शासन संविधान से कहीं संसार में नहीं चलता, उसके बाद उसके अनुसार नियम और विनियम बनाए जाते हैं, है ना, लॉज एंड बाय लॉज एंड रूल्स। तो जो लॉज बनते हैं वो एक्ट का एक्ट अपने आप में एक लॉ हो गया, लेकिन उसके रूल्स जो बनते हैं, नियम कैसे होंगे, विनियम कैसे होंगे, उपनियम कैसे होंगे, ये अफसर लोग बनाते हैं, ब्यूरोक्रेसी बनाती है, उसके द्वारा चलता है। तो ये कानून ऐसे बना रखे हैं कि जिसमें जीव दया एक कानून है, जीवों के साथ बर्बलता करना, इस समय अभी नए नंबर आ गए हैं कानून के इसलिए मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी भी जीव के साथ बर्बलता करने के लिए एक लॉ है, और फिर उस लॉ के बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। जब तक रिपोर्ट नहीं हो तो पुलिस नहीं गिरफ्तार करेगी। हमारा कहना है कि उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस बना देना चाहिए, संज्ञेय अपराध, कि कहीं भी सूचना मिले कि जीव के साथ ऐसा हो रहा है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले, और फिर वो चाहे आप बकरीद के नाम से बकरा काटें या कुछ करें, सब उसी कानून में आ जाएंगे। आप कोई बकरी नहीं काट सकते, आप इस तरह घोड़े को मार नहीं सकते, आप कोई हम हिंदुओं से सीख लो, अरे अब तो सभ्यता का युग है, ऐसे कोई आटे का बना लो बकरी, एक आटे की बकरी बना के फिर उसको सेंक के खा लो, अगर तुम्हें बकरी ही खाना है तो आटे का घोड़ा बना लो और उसको ऐसे ऐसे मार के खूब इसी बहाने आटा गूंथ लो और फिर उसका रोटी खा लो। तुमको अगर अभिनय ही करना है किसी जानवर को खाने का तो उसका सिंबॉलिक कर लो, जैसे कि ईसाई लोग करते हैं कि जो ब्रेड है और जो वाइन है, तो ब्रेड को वो कहते हैं कि ये जीसस का फ्लैश है और वाइन को कहते हैं कि ये जीसस का ब्लड है, तो वो करते हैं ना। अब वैसे तो बड़ी विचित्र बात है, जीसस का ब्लड पियेंगे और जीसस का फ्लैश खाएंगे, लेकिन ब्रेड और वाइन के द्वारा खा लेते हैं। तो मुसलमानों को ईसाइयों से सीखे, हिंदुओं से सीखने की तो उनकी मनोदशा नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म तो अत्यंत उदात्त करुणामय परिष्कृत बहुत ही उच्च चेतना का है, लेकिन ईसाइयों से सीख लें, ब्रेड और वाइन को वो फ्लैश और ब्लड कह देते हैं, है ना। तो इनको भी चाहिए कि आटे की बकरी बना लें, आटे की बकरी बना के फिर उसको खा लें, आटे का घोड़ा बना लें, उसको ऐसे उंगली से ऐसे करें कहें हम तुझे मार रहे हैं, फिर बाद में उसका कुछ पकवान खा रहे हैं। लेकिन ये जीवों पर क्रूरता छोड़ दें, कानून है जीवों के प्रति क्रूरता का एक कानून बना हुआ है। अभी उसका नंबर अभी शायद बदला है कुछ या नहीं बदला मुझे ध्यान नहीं, लेकिन कानून है भारत में जीवों पर क्रूरता रोकने का एक कानून है। मेनका गांधी एक ऐसी संस्था की अध्यक्ष है, और जब वो मंत्री थी पर्यावरण मंत्री, तो उन्होंने उस कानून पे बहुत जोर दिया था। कानून पहले से है, उनके समय उस पर अमल हुआ था, बाकी समय अमल ही नहीं होता।
तो अमल होना चाहिए। एक अभी एक्चुअली इसका मैं एक और रिपोर्ट भी देख रहा था कि डीप स्टेट और भारत का एक कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है इस समय। ऐसा लग रहा है कि जैसे बांग्लादेश में एंटी शेख हसीना गवर्नमेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए। बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने भी अमेरिका के इन्फ्लुएंस को रिजेक्ट किया, हर जगह वॉर्स शुरू हो चुके हैं हर जगह, और स्पेशली नॉन क्रिश्चियन कंट्रीज में। क्रिश्चियन कंट्रीज में तो युद्ध नहीं चल रहा है, क्रिश्चियन कंट्रीज में इमिग्रेंट्स का युद्ध चल रहा है, लेकिन नॉन क्रिश्चियन कंट्रीज में सडनली हिंदू मुस्लिम बौद्ध हिंदू मुस्लिम मतलब एक पार्टी मुसलमान है हर जगह और एक पार्टी बाकी रिलीजन से, ये शुरू हो गए। तो ये क्या आपको लगता है कि ये जो अभी सडनली इंडिया में इंसिडेंट शुरू हो गए सडनली इलेक्शन के बाद, क्या ये फॉरेन इन्फ्लुएंस की वजह से? निश्चित, लेकिन देखिए इसमें मेरा एक कहना है, ये डीप स्टेट वगैरह ये जो फिजियोलॉजी है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है। डीप स्टेट क्या है? हथियारों के सौदागर, ड्रग माफिया और कुछ दूसरे बिजनेस कंपनी मल्टीनेशनल चलाने वाले प्रभावशाली लोग, है ना। यानी जो सज्जन नहीं है, दुर्जन है या अनाचारी है, अत्याचारी है या आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यापारियों को डीप स्टेट कह दिया जाता है। तो डीप स्टेट की बजाय उसको कहना चाहिए गवर्नमेंट की एजेंसीज पे चलते हैं सारे ये ड्रग्स, सारे बिजनेस गवर्नमेंट एजेंसीज पे चलते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट की एजेंसीज में चलते हैं। पर डीप स्टेट तो स्टेट का नाम नहीं है, डीप स्टेट जब कोई इलीगल काम करता है तभी कहते हैं। एक मीडिया का नाम है 85 में दिया गया था, 85 में दिया गया नाम है ना, लेकिन उसके द्वारा काम तो सारे गैर कानूनी बताए जाते हैं, जैसे दूसरे देशों में उपद्रव करना, ये किसी स्टेट की पॉलिसी तो डिक्लेयर नहीं है। इसलिए मैं जो कह रहा हूं वो अपनी जगह सही है कि जो लॉफुल एक्ट है वो तो स्टेट करता है, और जो अनलॉफुल एक्ट हैं, क्राइम्स हैं, छुपे छुपे इलीगल काम करना, उसे डीप स्टेट कह देते हैं। ये तो अपराध को अपराध कहना चाहिए, उसको छिपाने के लिए सुंदर शब्द दे दिया डीप स्टेट, क्योंकि ये कोई लॉफुल एक्टिविटी नहीं करता। तो डीप स्टेट क्या है? अपराधियों का झुंड, संपन्न अपराधियों का झुंड, है ना, पावरफुल क्रिमिनल। सरकारें भी इन्वॉल्व है उसके अंदर, जिसमें सरकारें इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि कहें कि हम इन्वॉल्व हैं। हाँ, तो वी शुड नॉट रिकॉग्नाइज इट। हमको उनको ये नहीं कहना चाहिए कि सरकार है, जब सरकार स्वयं छिप रही है तो हम क्यों सरकार को लाएं, हम अपने फंस जाएंगे। सरकार तो कानूनी तौर पर ये सब नहीं कर सकती, तो हमको कहना चाहिए कि नहीं सरकार नहीं है, वो कहे ना। किसी सरकार की हिम्मत हो तो वो कहे कि हम ही है। हमको बढ़ चढ़ कर वो नहीं कहना चाहिए, हमको कहना चाहिए क्रिमिनल्स गैंग है, ये है ना, पावरफुल क्रिमिनल्स गैंग, वो स्टेट का पार्ट है, ये हमको नहीं कहना चाहिए। देखिए डिप्लोमेसी आवश्यक है, हमारी भाषा में भी डिप्लोमेसी होनी चाहिए। हम उनको डीप स्टेट नहीं कहेंगे, वो कह रहे हैं डीप स्टेट कहने से सर्वसाधारण में भय पैदा होता है, अरे बाप रे कोई डीप स्टेट है, और स्टेट कहने को तैयार नहीं है। अगर आप कहेंगे कि वो क्रिमिनल्स गैंग है, पावरफुल क्रिमिनल्स गैंग, तो घृणा पैदा होगी। तो हम समाज में अपराधियों के प्रति घृणा पैदा करें तो वो क्या है? पावरफुल क्रिमिनल्स गैंग। लेकिन मूल बात अपनी जगह है, आप डीप स्टेट कहो या पावरफुल क्रिमिनल गैंग कहो, मुख्य बात यह है कि जितने भी उपद्रव हो रहे हैं ये डीप स्टेट उर्फ पावरफुल क्रिमिनल गैंग जो स्टेट के इशारे पर चला रहे हैं, ये बहुत दिनों से यूरोप और अमेरिका में स्टेट के कुछ लोगों की ये पॉलिसी रही है। अरब को इन्होंने इसी तरह तोड़ा, कहां पहले इतना बड़ा तुर्की का साम्राज्य था, तो और सारे अरब तुर्की के अधीन थे, है ना, 9वीं शताब्दी के बाद से सारे ही अरब तुर्कों के अधीन थे, क्योंकि तुर्क बलवान थे, तुर्क भारतीय भरतवंशी छत्री हैं, योद्धा हैं, उनके पास घोड़े थे, अरब में तो कोई घोड़ा होता नहीं, अरब में केवल ऊंट और खच्चर वच्चर कहीं थोड़े से होते, मुख्यतः तो ऊंट और दूसरे भेड़े बकरी यही सब होते हैं। तो तुर्क जो है योद्धा थे, तुर्कों के अधीन, तुर्क संरक्षण देते थे अरबों को, तो इन्होंने अरबों में अरब नेशनलिज्म उभारा। ये क्या है? ये इनका डीप स्टेट था अंग्रेजों का, और जगह जगह कहा कि तुम तुर्कों के गुलाम हो और अपना गुलाम बना लिए, तुम तुर्कों के गुलाम हो, तुर्कों के खिलाफ उठ खड़े हो, और अरब पूरा अरब इलाका जो तुर्कों के साम्राज्य के अधीन था, जिसे ये उस्मान ऑटोमन एम्पायर कहते हैं, उस्मान नाम का एक तुर्क था, उस्मान साम्राज्य को ऑटोमन कहते हैं, उस्मान नामक तुर्क के अधीन पूरा अरब क्षेत्र था, उसको अंग्रेजों ने और फ्रेंच लोगों ने तोड़ दिया, और वो डीप स्टेट था।
उनको छोटे 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 नेशन स्टेट बना दिए। आज कितने सारे नेशन स्टेट हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात अलग है, सऊदी अरब अलग है, जॉर्डन अलग है, सीरिया अलग है, छोटे छोटे इतने सारे देश, कुवैत अलग है, दुबई एक तो, मतलब कितने सारे देश बने हुए हैं, और देशों के भीतर फिर छोटे छोटे इलाके अलग से संरक्षित हो रहे हैं। ये डीप स्टेट का काम था। इसका मतलब कि डीप स्टेट या पावरफुल क्रिमिनल गैंग ऑफ स्टेट ऑपरेटिंग थ्रू पावरफुल क्रिमिनल गैंग्स, स्टेट ऑपरेटिंग थ्रू किलर गैंग्स, स्टेट ऑपरेटिंग थ्रू क्रिमिनल गैंग्स, उसी को डीप स्टेट कह देते हैं। तो इन्होंने अरब को तोड़ा, फिर उसके बाद अरबों का इस्तेमाल उनको रिलीजियस फैनेटिसिज्म, मजहबी उग्रवाद भड़काकर रूस के विरुद्ध किया। अफगानिस्तान में मजहबी उग्रवाद को भड़काया, फिर वो इनके गले पड़ गया। अब ये परेशान है, सारा यूरोप मजहबी उग्रवाद से, रिलीजियस फैनेटिसिज्म से, इस्लामिक फैनेटिसिज्म से तबाह हो रहा है। और अब इनकी चाल है कि क्रिश्चियन नेशन घोषित कर दें यूरोप में कई। अब क्रिश्चियन नेशन घोषित करने का भारत के लोग ये समझते ही नहीं है। क्रिश्चियन नेशन घोषित होने से खुश नहीं होना चाहिए। क्रिश्चियन नेशन अगर अमेरिका या यूरोप घोषित हो जाए तो ये बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन को लोग भारत में जानते ही नहीं है इतने सारे। क्रिश्चियन एक बहुत ही खतरनाक किस्म का रिलीजन है। जैसे ही क्रिश्चियन नेशन होगा वो बहुत ही क्रूरिटी के साथ इस्लाम को मारेंगे और गैर सभी क्रिश्चियंस को मारेंगे। तो क्रिश्चियन, जैसे ही कोई नेशन क्रिश्चियन स्टेट घोषित होगा वो उनके लिए बाइंडिंग हो जाएगा, ये उनके लिए रिलीजियस कमांड हो जाएगा कि वो मुसलमानों की हत्या करें और मारें। तो क्रिश्चियन नेशन की तैयारी चल रही है। खैर, हिंदुओं को तो भागने की तैयारी कर लेना चाहिए। अगर कोई क्रिश्चियन नेशन हो जाता है तो हिंदुओं को वहां से भागाना चाहिए। भारत बहुत ही प्रकृति में, भारत में इतना अन्न दिया है, इतना जल दिया है, सुजलाम सुफलाम मलेर शीतलाम, हम सबको खिला देंगे। सारे हिंदू, विश्व के सारे हिंदू भारत में आ जाए और फिर अपनी पुरानी भूमि को प्राप्त करें। अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब हिंदुओं का ही है। तो ये क्रिश्चियन नेशन बनाने की योजना चल रही है यूरोप अमेरिका में, ये बहुत ही खतरनाक है मुसलमानों के लिए। इसलिए मुसलमान सावधान, क्रिश्चियन नेशन बना और तुमको एक तरफ से कत्लेआम किया जाएगा। वो बाइंडिंग होगा, वो एक रिलीजियस ऑर्डर होगा, पायस ऑर्डर होगा, पवित्र आदेश कहलाएगा कि नॉन क्रिश्चियन को मारो, और खासतौर से मजहबी उग्रवादियों को मारना तो उस समय कानूनी अनिवार्यता हो जाएगी। बाई ऑर्डर ऑफ स्टेट किलिंग ऑफ मजहबी उग्रवादी, ये शुरू हो जाएगा। तो ये चल रहा है। तो भारत में और बाकी जगह भी जो ये दंगा भड़का रहे हैं, ये इनका डीप स्टेट है, जिसको मैं अपनी भाषा में पावरफुल क्रिमिनल गैंग बीइंग ऑपरेटेड बाय स्टेट, है ना, हिडन, है ना, राज्य से छिपे तौर पर हत्या और अपराध का काम कर रहे समूह, उसी को डीप स्टेट कहते हैं, जिसको राज्य कभी ओनअप नहीं करता, वो उसकी सीक्रेट सर्विस है, है ना। पहले सीक्रेट सर्विसेज होती थी, वो थोड़ी संख्या में, अब डीप स्टेट में बहुत सारे लोगों को, भारत में भी बड़े बड़े अपोजिशन के लीडर इस समय जो है वो डीप स्टेट से जुड़े हुए हैं, डीप स्टेट से पैसा ले रहे हैं, फिर उनके पूरे फॉलोअर हैं। अब फॉलोअर को नहीं पता कि हमारा नेता डीप स्टेट का गैंग का मेंबर है, वो तो समझते हैं वाह वाह ये हम गरीबों की बात करते हैं, संविधान रक्षा की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। उनका पर्पज डीप स्टेट की सेवा करना है, सर्विस, और भारत को तोड़ना। तो भारत में चल रहा है, बांग्लादेश में चल रहा है, बांग्लादेश से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, नेपाल में नेपाल नरेश की हत्या कर दी गई और उसके बाद वहां कम्युनिज्म लाया गया, तो सब चल रहा है। लेकिन ये मिलाप से थोड़ी होगा। भारत तो संसार का अभी भी सबसे बड़ा योद्धा समाज है। भारत के शासक को खड़े हो जाना चाहिए धर्म की रक्षा के लिए। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की रक्षा भारत के शासन का कर्तव्य है और संविधान में घोषित कर देना चाहिए। अगर पाकिस्तान ये कह सकता है कि सारे संसार में अल्लाह का शासन स्थापित करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, अफगानिस्तान कह सकता है, तो भारत कह सकता है सारे संसार में सनातन धर्म की रक्षा और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की प्रतिष्ठा, ये भारत शासन का कर्तव्य, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, है ना, और सनातन धर्म की रक्षा भारत का कर्तव्य, ये करना चाहिए। डीप स्टेट के नाम पर दूसरे राज्यों को तोड़ना, क्योंकि यूरोप का तो इतिहास यही रहा है, यूरोप एक दिन चैन से नहीं बैठा है।
लगातार दूसरे देशों को तोड़ना फोड़ना, और जब दूसरे देशों में भी थोड़ा युद्ध की इच्छा आ जाती है तो पीस पीस शांति शांति चिल्लाने लगते हैं, मतलब तुम शांत रहो हमें अपराध करने दो। और हम स्टेट से डिक्लेयर रूप से अपराध नहीं कर सकते तो हमने डीप स्टेट रच लिया है ना, क्राइम करने के लिए हमने पावरफुल क्रिमिनल गैंग्स तैयार कर दी जो षड्यंत्र करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मास मोबिलाइजेशन करते हैं, लोगों को उकसाते हैं, तोड़फोड़, आग यानी बलवा, यहाँ हिंदुओं को भगाओ, वहां बौद्धों को भगाओ, वहां क्रिश्चियंस को भगाओ, वहां ये सब चल रहा है। तो भारत को लीड करना चाहिए इसके बारे में, विश्व में एक सर्वानुमत कंसेंसस बनाना चाहिए, यूनिवर्सल वैल्यूज का रिस्पेक्ट करना हर नेशन स्टेट की ड्यूटी होनी चाहिए, और इसमें पहल भारत करे। भारत में वही नागरिक होगा जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को मानेगा, जो सत्य अहिंसा प्रेम, और अहिंसा का अर्थ नॉन किलिंग नहीं होता, अहिंसा का अर्थ होता है वीरता तेजस्विता, दुष्टों को मारना हिंसा नहीं है वो वीरता है, है ना। भारत का राज्य दुष्टों को मारेगा, दुष्टों का दलन करेगा, उसको हिंसा नहीं कहते, सही शब्द इस्तेमाल करते उसको वीर। भारत के राज्य में वीरता सत्य धर्म तेज और अहिंसा की प्रतिष्ठा हो, इसको भारत पहल करे। हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स भी इसको स्वीकार कर ले, हो सकता है यूरोप के कल्चर लोग भी इसको स्वीकार कर लें। हमको दुनिया को, हम तो आप सबको अपना मित्र मानते हैं, सनातन धर्म के मित्रों की विश्व भर में संख्या बहुत है, तो भारत के शासन को उनको जोड़ने की पहल करनी चाहिए। भारत के शासन का तो भारत में अभी बहुत खराब हालत चल रहा है, तो इतना ज्यादा अपेक्षा करना ठीक भी नहीं है। नहीं नहीं, सब संभाल लेंगे, भारत के पास बहुत शक्ति है। भारत के एक्सपेक्टेशन अलग होती है, लेकिन रियलिटी कुछ और। नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं, रियलिटी बड़ी है। रियलिटी इसकी उल्टी ये है कि भारत के अभी तक के शासकों ने जानबूझकर हिंदू को दबाया है और हिंदुओं की शक्ति का उपयोग नहीं किया है। नहीं, लेकिन वो नहीं, वही बात है। तो इसका दूसरा पक्ष है कि हिंदुओं की शक्ति तो भरी पड़ी है ना, बस उस शक्ति का स्टेट उपयोग कर ले, हिंदुओं की सनातन धर्म की शक्ति को उसी उपयोग की बात कर रहा हूँ कि उपयोग कब करेंगे। करना चाहिए एक्सपेक्टेशन। संविधान आपको न्याय करने कहता है, आप बैलेंस बनाइए। 77 वर्षों तक हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है और माइनॉरिटी के नाम पर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का फेवर हुआ है, तो अब वो फेवर खत्म करके हिंदू धर्म का फेवर होना चाहिए। बैलेंस हो नहीं रहा है, एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग करना चाहते हैं, डिमांड भी है, एक्सपेक्टेशन भी है और डिमांड भी है हम लोग करना चाहते हैं, वो करें ना, इट इज अप। नहीं तो फोर्सफुल डिमांड है, हमारी डिमांड फोर्सफुल है, थोड़ा फोर्स बढ़ जाए तो स्टेट राजा को राज करना है, हिंदू जाग खड़े हो और सारे हिंदू मिलकर फोर्सफुल डिमांड करने लगे तो स्टेट तो करेगा ही, क्योंकि बहुत सारे अच्छे हिंदू यही सजेशन दे रहे हैं आजकल कि गवर्नमेंट एक्ट तो करे, क्योंकि एक्ट ही नहीं कर रही, तो ये प्रॉब्लम भी है लोगों के साथ। लेकिन धर्माचार्य भी खड़े हों, धर्म के आचार्य केवल पॉलिटिक्स में कुछ नहीं बोलना, ये कहते कि भाई सनातन धर्म की रक्षा करो, सनातन धर्म की रक्षा राज्य का धर्म है, ये तो कहना शुरू हो, कुछ लोग कहने लगे सभी धर्म के सभी आचार्यों को ये कहना चाहिए कि सनातन धर्म के साथ 77 वर्षों से अन्याय हुआ है, मामूली बात के लिए हमें आंदोलन करना पड़ा, गोरक्षा के लिए मांग करनी नहीं चाहिए। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ गांधी जी ने वचन दिया था कर्म की पहली नोक से गोरक्षा होनी चाहिए, हमको अपनी पिंडी मांग के लिए, अरे राम मंदिर जैसे काम के लिए इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा और लोग इसके बड़े खुश हैं। ये ग्लानि की और शर्म की बात है कि हमारा राज्य होते हुए भी हमें आंदोलन करना पड़ा। धिक्कार है उन शासकों पर जिनके राज्य में राम मंदिर जैसे पवित्र कार्य के लिए आंदोलन करना पड़ा, क्यों है ऐसे शासकों पर जिनके शासन में रहते हुए हमें आंदोलन करना पड़ा। तो हमारे धर्माचार्यों को ऐसे शासकों को धिक्कारना चाहिए, उन शासकों पर क्यों है जिनके रहते राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन करना पड़ा, गौरक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, वो तो देश के कलंक है, धर्म के कलंक है, ये कहना चाहिए। जब कहेंगे तब शासक दबेंगे। हिंदू प्रज्ञा का और हिंदू परंपरा का और हिंदू श्रद्धा का प्रतिनिधित्व हमारे धर्म के लोगों को भी करना चाहिए। राजनीतिक बातों पर टिप्पणी करते रहते हैं, राम मंदिर कब किस मुहूर्त में बना किस नहीं इसकी चिंता करते हैं, वो तो जिस मुहूर्त में बनेगा वो भोगेगा, आपको चिंता देश की और धर्म की होनी चाहिए, है ना। छोटी छोटी घटनाओं की चिंता बंद करके अगर हमारे परम पूज्य धर्माचार्य सनातन धर्म की चिंता करें और सनातन धर्म की रक्षा न करने वाले शासकों को धिक्कारें
तो देश का कल्याण होगा और सनातन धर्म की रक्षा हो जाएगी। चलिए थैंक यू वेरी मच, आज इस इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आपने प्रकाश डाला, और दर्शकों को बोलूंगा इसको ध्यान से सुने और इसको लाइक और शेयर करें, लोगों को बताएं और चैनल को लंबी बड़ी संख्या में सब्सक्राइब भी करें। नमस्ते एंड थैंक यू। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।